So let us start with data interpretation, right? The very first class of data interpretation. जल्दी से मैं सारे graphs discuss करूँगा. These are the main graph type जो आपको देखने को मिलता है. Table chart, bar graph, pie chart, line chart, radar chart. बच्चों अपने आपको mute पे रखो, right? Please keep yourself on mute so that the class is not disturbed. Okay, कुछ भी बोलना है तो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. आई कैन कॉन्स्टेंटली रीड योर चैट बॉक्सेस, राइट? कोई टेंशन नहीं है. ओके, गुड. सो अब यहाँ पे जैसे ये एक एक करके सारे चार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, राइट? तेजी से करूंगा बिकॉज आई होप दीज आर बेसिक थिंग्स, तो इसमें ज्यादा टाइम मैं लगाना नहीं चाहूंगा. बट स्टिल, टेबल चार्ट, दिस इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल. सबसे सिंपल यही वाला चार्ट होता है, ठीक है? और इसमें डायरेक्ट सेल्स दे रखी है, जैसे किसी कंपनी की सेल्स दे रखी है, सेल्स इन लैक्स. अब इन फिगर्स पे बहुत ध्यान से तुम्हें देखना होता है कि क्या डेटा किस में है, लैक्स में है, करोड़ में है, थाउजेंड्स में है. तो 2001 में प्रोडक्ट ए कितना रेवेन्यू दे रहा है, 4 लाख. 1 में बी कितना दे रहा है, 1 लाख, एंड सो ऑन, ठीक है? ये सबसे आसान चार्ट होते हैं, टेबल चार्ट. स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी होती है जो हम लोग ईजिली रीड कर पाते हैं. ओके, तो इसके आगे बढ़ना चाहूँगा. बार ग्राफ, ये आपका सेकेंड इजी चार्ट टाइप आप कह सकते हो, है ना? अब वही सेम डेटा मैंने यहाँ पे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, राइट? जैसे 2000 अलग अलग कलर से ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, बैंकिंग का, एसएससी का, सारे एग्जाम सब ऑनलाइन हो चुके हैं, राइट? उसमें आप देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे ही चार्ट्स आपको दिखते हैं. पहले ब्लैक एंड वाइट पेपर में हुआ करता था, तो वहाँ पे अलग अलग सिम्बॉलिक सिम्बल्स होते थे, बट अब तो यही एग्जैक्टली तुम्हें सेम चार्ट्स मिलते हैं. 2001 में जैसे ए कितना है, 4 लाख है. 2002 में ए कितना है, 2 लाख है. 2003 में ए कितना है, 3 लाख है. 4, 2 and 3. Was it the same in the previous one? Right? 4, 2, 3. Yes, absolutely correct. ठीक है? So I hope you understand. Lucifer, please don't touch your screen. Okay? तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये आप इसको रीड कर सकते हैं. देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को इंटरप्रेट करना, यानी डेटा को रीड करना, उसको एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है. बींग अ मैनेजर, बींग एन ऑफिसर, you should be a very good analyst of the data. Data ki basis pe hi hum koi bhi decision lete hain. Hamara ek bahut chhota sa kaam hai coaching ka, right? Yahan pe bhi hum data ki importance ko samajhte hain, right? We look into the trend. Acha, abhi kaun sa exam aa raha hai, kis tarike se inquiries aa rahi hain, kaun sa batch form karna hai, kis time ke liye zyada inquiries hain. To data has a very very significant role in everything what you do. Agar kisi ki data analysis achhi hai, data interpretation achhi hai, to generally wo tum dekhoge ki wo bahut acche decisions le sakta hai, theek hai? सो आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं. इसके आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट डेटा टाइप पे, पाई चार्ट. इसको सर्कुलर चार्ट भी कहते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है, बट फिर भी थोड़ी डिस्कशन में ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको आपके साथ पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? आइए डिस्कस करते हैं. जैसे इसमें एक चीज़ जो हमें ज़रूर से पता होनी चाहिए वो है हमारे पास एंगल, राइट? अब ए, दिस इज ए, कलर सिग्निफिकेंस यहाँ पे दे रखा है ना? दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट? ए टोटल हमारे पास कितना है, ये 2 + 3 + 4 + 1, इट इज 10. यानी टोटल हमारे पास 10 है और टोटल जो हमारा एंगल होता है किसी भी सर्कल में सेंटर पे, वो कितना एंगल होता है, दैट इज 360 डिग्री. तो 10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 360 डिग्री. तो अगर मैं ए का एंगल देखना चाहूँ तो अगर 10 हमारा 360 डिग्री के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 36 डिग्री के बराबर. तो 2 कितना होगा, 72 डिग्री. समझ रहे हो ना बच्चों? बी की अगर मैं बात करूँ, 36 × 3 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है? 4 करें तो 36 × 4 कितना होता है, 144 होना चाहिए, 144 डिग्री. और 1 कितना हो जाएगा, 36 डिग्री. तो इस तरीके से सेंट्रल एंगल देखना बड़ा आसान होता है. यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 72 डिग्री का. ये कितना होगा बेटा, 108 डिग्री होगा. सी यहाँ पे कितना दिख रहा है हमारे पास, 144 डिग्री दिख रहा है, ठीक है? दिस इज 144 डिग्री. और डी कितना है बच्चों, दिस इज 36 डिग्री. तो इस तरीके से हम लोग सेंट्रल एंगल देख सकते हैं. कई बार डी आई के सर्कुलर चार्ट में, यानी कि पाई चार्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस, ये वाला चार्ट आ ही जाता है एग्जाम में, राइट? बैंक में, एस एस सी में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ जाता है. जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ अपने आप को म्यूट पे रखिए आप लोग, राइट? तो ये हमारे पास सर्कुलर चार्ट है, राइट? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल कितना है. चीज़ें देखो तीन तरीके से दे रखी होती है सर्कुलर चार्ट में. जैसे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, कई बार वैल्यू होती है, कई बार परसेंटेज होती है और कई बार एंगल होता है. यही तीन चीज़ें तुम्हें मिलेंगी,
राइट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, वैल्यू दे रखी थी, हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया, क्या हम परसेंटेज देख सकते हैं? सर्टेनली यस। ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 30%। ये कितना हो जाएगा? 40%। और ये कितना हो जाएगा? 10%। तो आपस में इनका कन्वर्जन आपको करने में कंफर्टेबल होना ही चाहिए, कभी परसेंटेज में होगा, कभी वैल्यू में, और कभी डिग्री में। तो तीनों ही चीजें में आपको कंफर्टेबल होना है, ठीक है? अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो और इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे विजुअल एनालिसिस बड़ी अच्छी होती है। लाइन चार्ट में विजुअल एनालिसिस बहुत अच्छे से होती है। विजुअल एनालिसिस क्या मतलब है इसका? कि मतलब तुम डेटा को पढ़ने की बजाय सिर्फ ग्राफ को अगर सही से समझना जानते हो तो तुम कुछ क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ देख के बता दोगे, देख करके आप उसके आंसर्स बता देंगे विजुअल एनालिसिस से, ठीक है? जैसे कि देखिए मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें दे रखी हैं, है ना? क्या दे रखा है डेटा? कि ये जो ट्राइंगल है ये 2003 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2002 को। और ये जो आपका डायमंड है ये 2001 के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो हमने इस प्रकार से इस डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब ए जो है ए, राइट, ए हमारे पास 2003 का था, 2003 में कितना था? ये हमारे पास 9 है। बी हमारे पास कितना है? ये भी 9 है, राइट, सेल्स इन लैक्स, ठीक है? कोई डिफरेंट डेटा होगा कोई बात नहीं, 8 और 10 के बीच में है तो हम इसको 9 ही लेंगे। ये एग्जैक्टली 8 हमें दिख रहा है और ये हमें एग्जैक्टली 12 दिख रहा है, राइट? तो हम लोग आसानी से इन वैल्यूज़ को समझ पा रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं 2002 के डेटा पे आऊँ तो यहाँ पे ये हमारा 6 है ए, बी कितना है? ये भी 6 लैक्स है। ये 4 और 6 के बीच में है तो कितना कंसिडर करेंगे? 5 कंसिडर करेंगे। 6 और 8 के बीच में 7 कंसिडर करेंगे। दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इस तरीके से डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं। अब सपोज करो, हालांकि यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ नीचे ईयर्स लिखे होते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ईयर्स लिखे होते हैं और डिफरेंट कलर से किसी एक प्रोडक्ट को ही दे रहे होते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ पे ये डिफरेंट ईयर्स लिखे होते, ये आपके पास 2003 का डेटा होता, ये आपके पास 2004 का डेटा होता, ये 2005 का होता, ये 2006 का होता, और ट्राइंगल मान लो ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ये बी को, ये सी को, और कोई और चीज़ डी को रिप्रेजेंट कर रही होती, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास होता। तो अगर ऐसा होता बेटा तो आपको क्या करना होता? फिर आप देखते, अगर आपसे पूछता कि बताओ विच हैज गॉट द मैक्सिमम ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, राइट, विच हैज गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ, अब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं क्या? सर्टेनली मिलते हैं, राइट, विच हैज गॉट द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, विजुअल एनालिसिस से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, स्लोप। जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनको कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक मिनट में आप सीख जाओगे, है ना? मैथ्स वाले बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे, अच्छा स्लोप, स्लोप का मतलब एम, स्लोप का मतलब dy/dx, है, स्लोप का मतलब tan थीटा, बहुत उल्टी सीधी चीजें इन लोगों ने पढ़ रखी हैं, ठीक है? और जो हम जैसे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो लोग कैसे देखते हैं, भाई स्लोप क्या है? सिंपल, वो ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके सोचते हैं। स्लोप इज व्हाट? स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी जो लाइन है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है, उसकी इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ कितनी ज्यादा है। जिसकी इंक्लिनेशन वाई एक्सिस की तरफ जितनी ज्यादा होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा, सिंपल, राइट? कोई एम dy/dx tan थीटा की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आई बिलीव कि आप लोग सब नॉन मैथ्स वाले हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से बात करेंगे, ठीक है? तो स्लोप के बारे में मैंने क्या कहा? स्लोप के बारे में मैंने आपसे यह कहा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की तरफ जितना ज्यादा झुका हुआ है उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। अगर वो उसका झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसका स्लोप कम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तुम्हें समझाने के ख्याल से, जैसे बात करूँ मैं ए बी सी और डी, तो डीसी लाइन का झुकाव ना एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है? सीए लाइन का जो झुकाव है, राइट, सीए लाइन का झुकाव ये एक्स की तरफ है, अगर एक्स की तरफ है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एबी लाइन का झुकाव वाई की तरफ है, राइट, वाई एक्स की तरफ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? तो जिसका भी स्लोप सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, जिसका झुकाव सबसे ज्यादा वाई एक्स की तरफ होगा,
उसी में परसेंटेज ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर ज्यादा होगा। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि जो ए बी है इसका झुकाव सबसे ज्यादा है वाई एक्सिस की तरफ और इसीलिए इसका स्लोप ज्यादा है। तो यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर कहाँ पे ज्यादा होगा, ए बी वाले पोर्शन में मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी रियल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे इन चीजों को और बेहतर देखेंगे। बिकॉज मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर डी आई आती तो थी बट बहुत कैलकुलेटिव थी। बट बिलीव मी चिल्ड्रेन, इट इज योर मेथडोलॉजी दैट मेक्स इट कैलकुलेटिव और ईजी। तो आप जिस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो, जैसे अप्रोच कर रहे हो, वही उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट या आसान बनाता है। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां हम लोग बिना कैलकुलेशन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये कैलकुलेशन सिर्फ उतनी करनी होती है जितने में कि हम सही ऑप्शन पहचान लें, पूरा पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है। ये सारी बातें मैं अभी आपको रियल क्वेश्चंस में करके बताऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी एडवाइसेज हैं, आप ध्यान रखेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। सो रडार चार्ट, इसको वेब चार्ट भी कहते हैं कई बार, है ना, स्पाइडर वेब की तरह दिखता है, इसलिए इसको कई बार वेब चार्ट भी कहा जाता है। कुछ किताबों में तुम देखोगे इसको वेब चार्ट कहते हैं। इसको रीड करने में भी कभी 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 किसी बच्चे को परेशानी आती है, तो देखो देख लो, बहुत आसान होता है। जैसे 2001 और 2002 के लिए अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, है ना। ए के बारे में दे रखा है कि ये हमारा, ये ना ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ इंक्रीज होता है, मतलब ये जीरो वाली लाइन है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। तो मैं इस वैल्यू को क्या लूंगा, आप क्या करोगे, मिड वैल्यू लोगे, है ना। मिड वैल्यू तो आइडेंटिफाई करना आसान है, 30 और 40 के बीच में मिड वैल्यू कितनी है, 35। अगर 35 और 30 के बीच में है तो तुम हमेशा इसका मिड वैल्यू लोगे, यानी तुम ए 2001 में कितना रीड करोगे, 32.5, 32.5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं तो बी मिड वैल्यू यहां कहीं पे आएगी बेटा, ये भी एग्जैक्टली सेम मैं इसको रीड करूंगा, 32.5। ठीक है, सी की बात करूं तो सी देखो 10, 20, 30, 20 और 30 के बीच में है, 25 वाली लाइन बीचों बीच होगी, मतलब ये वाली रीडिंग कितनी होगी, 27.5। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे डी पे आता हूँ तो ये रहा तुम्हारे पास 10, ये रहा तुम्हारे पास 20, 10 और 20 के बीच में मिडिल वैल्यू 15 है, इसके नीचे है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं 12.5 बोलूँगा। ठीक है बच्चों, आई कॉल इट 12.5। सिमिलरली ई की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे 10 और 20 के एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है, तो मैं इसको 15 बोलना चाहूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी इन अ स्टेट टू रीड द डेटा। चाहे डेटा तुम्हें किसी भी फॉर्म में दे रखा है, तुम उसे सही तरीके से पढ़ पाओ। अगर तुमने डेटा को सही तरीके से पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो फिर धीरे धीरे हो ही जाते हैं। ठीक है, आओ एक बार फिर से करते हैं, लेट्स डू इट फॉर 2002, 2002 के लिए एक बार फिर से इसको करते हैं। अपने आप को म्यूट रखो बच्चों, आपका माइक ऑन है, राइट आशीष आपका माइक ऑन है बेटा, राइट थैंक यू ऑफ करने के लिए। देखिए, सो ए को मैं देखूंगा, ए 2002 में कितना था, 10 और 20 के बीच में, क्या 15 से नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या बोलूंगा मैं इसको, 12.5 बोलूंगा। ठीक है, हमेशा इक्वल हाफ मिलेंगे, 12-11 नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, अनटिल एंड अनलेस वो स्केल्ड है, कैलिब्रेटेड है, एग्जैक्टली अगर पॉइंट्स दे रखे तब तो ठीक है, बट अगर इस तरीके से एक रैंडम रफ इंफॉर्मेशन दे रखी है जो एग्जाम में होती है, राइट, तो आप मिडिल वैल्यूज लेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा 2002 के लिए बी को स्टडी करूंगा, तो ये रहा 10, ये रहा 20, 10 और 20 के बीच में 15, 15 वाली लाइन से नीचे है, तो मैं इसको कितना बोलूंगा, मैं इसको 12.5 बोलूंगा। ठीक है, अगेन इसको भी 12.5 बोलूंगा। यहाँ 2002 के लिए डी देखूंगा, तो ये है 10 वाली लाइन और ये है 20 वाली लाइन, राइट, तो ये कितना है, ये एग्जैक्टली हमारे पास 20 है। ओके, ई के लिए देखा तो 10 और 10, 20 और 30, 20 और 30 के क्या बीचों बीच है, नहीं, बीच से ऊपर है, तो बीच में 25 है, 25 और 30 के बीच में कितना बोलूँ, 27.5। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेटा रीड करना आपको आना चाहिए। ऑलराइट, थोड़ी और एडवाइसेस बिफोर आई एक्चुअली स्विच टू सम एक्चुअल क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन टाइप्स कितने टाइप के होते हैं आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन में, कहाँ कहाँ से आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं आपके क्वांट के जो आपको सही से पढ़ना होता है डीआई के क्वेश्चंस को डील करने के लिए, दैट इज परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। ठीक है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिख रखी है, इन आंसरिंग सच क्वेश्चंस अडॉप्ट कंपैरिजन मेथड।
rather than performing detailed calculations. जो बच्चे complaint करते हैं ना कि सर बहुत calculative paper आया था, आसान था but बहुत calculative था, time लग गया, paper कर नहीं पाए, उसके पीछे main reason यही होता है कि वो पूरा पूरा detailed calculation करके answer निकालने की कोशिश करते हैं. जबकि करना क्या चाहिए, comparison method use करना चाहिए. मैं तुम्हें अभी questions में ये करके बताऊँगा. I'll demonstrate how to do it, okay? In actual questions that have been asked in SBI PO mains, right? 2018 का मेंस का पेपर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ आज ही. तो आइए देखते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं. फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम लोग क्वेश्चन में उसको देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बट हाँ, दीज आर द टॉपिक्स जो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू DI. DI में एंटर करने से पहले ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए. ऑल राइट, सम क्विक टिप्स to deal with data interpretation questions. Read the graph carefully, right? That's a very important tip, hai na? The graph ko dhyan se padhna chahiye and try to understand the data. Data ka trend kya chal raha hai, isko samajhna chahiye. Then read the legend and footnotes. Legend and footnotes. Aksar kya hota hai na, question graph ke pehle ya graph ke baad kuch information aisi hoti hai जो छिपी हुई होती है, हम उसे मिस कर देते हैं और उस मिस करने की वजह से हमारी जो एनालिसिस होती है वो अच्छी नहीं हो पाती. ठीक है, थर्ड एडवाइस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, स्पेशली फॉर दोज जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है या जिनकी क्वांट अच्छी है. हम ना किसी क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि यार होगा कैसे, नहीं हमारी क्वांट अच्छी है. तो भाई ईगो पे नहीं लेना, राइट? कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में ट्रैप होते हैं, ट्रैप हमारा टाइम खराब करने के लिए दिए जाते हैं. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते. ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट आपने ये ध्यान देना होता है. बच्चों अपना अपना माइक ऑफ रखो बेटा. रोहित एंड एवरीवन एल्स प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. ठीक है, ओके. आपने ये ध्यान देना होता है बेटा कि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और कैलकुलेटिव है वो आप 100% छोड़ेंगे, उसको आप नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों? अरे भाई नंबर तो बराबर ही मिलेंगे ना. ऐसा तो है नहीं कि जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए ज्यादा नंबर मिल जाएंगे तुम्हें. स्किप दोज क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर एडवाइस बेटा. एक अच्छा बैट्समैन ना हमेशा इस चीज को जानता है कौन से बॉल को मारना है और कौन से बॉल को छोड़ना है. ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को एग्जाम में करना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाइल प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट. Okay, try to find out the trend of the graph so that the some question can be answered without calculations. Okay, तो ये सारी बातें अभी हम लोग question के form में implement करते हैं. All right, एक question है यहाँ पे. मैं इस recording को off कर रहा हूँ और second recording से इसको लूँगा.